नमस्कार दोस्तों, आज हम कुट्टू की पूड़ी व आलू की सब्जी बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने लिया है 2 मैश्ड आलू, कुट्टू का आटा पिसा हुआ, खट्टा दही, घी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, उबले हुए कटे हुए आलू, अदरक व हरी मिर्च। अब हम आलू की सब्जी बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई रखेंगे। उसमें 2 चम्मच घी गरम करेंगे सब्जी के लिए, के में तड़का थोड़ा जीरा डालकर तड़का लगाएंगे। जीरा जब तक पक रहा है हम उसमें कसी हुई अदरक व बारीक कटी हरी मिर्च भी डाल देंगे, डालकर हल्का भुनेंगे। देखिए ये पक चुका है। अब हम इसमें लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, सिर्फ हल्का पकाकर तुरंत हम पानी डाल देंगे, इससे सब्जी का रंग काफ़ी अच्छा आता है। नमक स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब उबले हुए आलू डालकर इसे हम पका लेंगे। पानी उबलने के बाद हम खट्टा दही डालेंगे ताकि हमारा दही फटे ना। तब तक हम खट्टा दही में थोड़ा सा कुट्टू का आटा मिलाकर इसे तैयार कर लेंगे। थोड़ा कुट्टू का आटा ऑप्शनल है, आप मिला भी सकते हैं या नहीं भी। मिलाने से सब्जी का थिकनेस अच्छा आता है और स्वाद भी काफ़ी बढ़िया आता है। देखिए हमारा पानी अच्छी तरह से उबल चुका है। अब हम धीरे धीरे ये दही वाला मिश्रण इसमें डालकर लगातार चलाते रहेंगे। थोड़ा पानी भी हम इसमें और डालेंगे क्योंकि हम ये ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं। हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा दही फटे ना, और इसे उबाल आने पर हम गैस को धीमा कर देंगे। देखिए 2 से 3 मिनट में दही पक चुका है और हमारी सब्जी भी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम गैस बंद करके इसे खाली कर देंगे। लीजिए हमारे आलू की सब्जी तैयार है। अब हम कुट्टू की पूड़ी बनाएं। अब हम कुट्टू की पूड़ी के लिए तवा ऑन कर देते हैं। कुट्टू का आटा लगाने के लिए हम आटा, ये आटे को हम पानी से नहीं लगाते हैं, इसमें हम उबले हुए आलू से पूरा आटा लगाएंगे। स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर व थोड़ा सा घी डालकर हम आटे को कुछ इस तरह से गूंथ लेंगे। आटा गूंथने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हम आटे की लोई बनाकर इसे पराठा के लिए रोल करेंगे। हमारा तवा भी गर्म हो चुका है। तवा पर हल्का घी लगा देंगे जिससे कि हमारा पराठा चिपके ना। और अब ये बेला हुआ पराठा हम इस पर डाल रहे हैं। इसे हल्का मंदी आंच में भी हम सेकेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम इस पे घी लगाएंगे। घी लगाकर हम इसे करारा सेक लेंगे कुछ इस तरह। हमारा पराठा सिक चुका है। लीजिए कुट्टू का पूड़ी और आलू की सब्जी तैयार है। इसे हम रायता के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।